क्या शिकायत है? सारे गरीब आदमी सब दुखी है, किससे पूछ लो, कितने बच्चे होंगे? ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी है, आप भी दुखी हैं? नहीं, हम तो दुखी नहीं। अपनी बहन जी के साथ है, बहन जी के साथ रहेंगे हम तो जी किसान है, हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह है जी, हम तो उसके ही थे, उसके ही रहेंगे, उसे ही वोट देंगे। वो जो प्रेम पहले था वो दोबारा फिर हो गया, वो चुनाव लोग कुछ समझे, समझ रहे कुछ लोग समझे, 2019 में सब समझ जाएंगे। हो सकता था गन्ने का पेमेंट पिछले साल के तरीके से जमा दम लगातार होता। शामली 12 किलोमीटर दूर, मेरठ पीछे छूट चुका है और कैराना आगे है। दोनों तरफ दूर दूर तक गन्ने के खेत। इन खेतों में केवल ईख नहीं होती, राजनीति भी होती है। इस राजनीति का नया कायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़ा है। गन्ना के अलावा कुछ अन्य फसलों को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी। दिल्ली का बाजार आपके पास है, आप इतना गन्ना लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सूगर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान की इस खोज पर चरक की संगीताएं चुल्लू भर पानी खोज रही होंगी और डायबिटीज के डॉक्टर चाय का ठेला लगाने की सोच रहे हैं और दवा बनाने वाली कंपनियां नीम के पत्ते का जूस बेचने में लग गई होंगी। दिल्ली का बाजार आपके पास है, आप इतना गन्ना लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सूगर हो जाएगा। मोदी जी गन्ने के किसानों को बधाई दे रहे थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लगे रहिए, देश को आपकी बहुत जरूरत है, हिसाब किताब करेंगे। पिछले वर्ष ही हमने गन्ने का समर्थन मूल्य लगभग 11% बढ़ाया, इससे गन्ने के 5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचा था। ये तो हो नहीं पाया, और नहीं हो पाया तो कैराना और नूरपुर के खेतों से किसानों ने बीजेपी की ईख उखाड़ दी। जबकि 9.5 लाख वोटों पर तबस्सुम चुनाव लड़ी थी, 70% पर, बिरगंगा केवल 30% पर लड़ी थी। उस हिसाब से, उस आंकड़े से हार होनी थी 1.5 लाख के लगभग, हुई मात्र 44,000 से। उसका मेन कारण यही है कि जाट का जो मत था दोनों सीटों पर 60% बीजेपी को चला गया। राजनीति की इतनी महीन समझ दिल्ली में बैठकर कंप्यूटर में सिर खपाने से हासिल नहीं होती, इसके लिए किसान होना पड़ता है। ये जो इनके नेता है, ये वही ध्यान नहीं देते, सब बता दे पेमेंट हो रहा किसानों, सब किसान खुशहाल है, सब किसान दुखी है। यहाँ तो कौन बोलता है कि किसान खुशहाल है? ये बड़े जो नेता है आगे, योगी जी एक कदम आगे गए, ऐसा इंतजाम करो कि बकाया चुकाने की नौबत ही ना आए। कहा सारी मुसीबत की जड़ ही गन्ना है, न रहेगा चीनी और न रहेगी डायबिटीज। दूरदृष्टि इसी को कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में इस समय डायबिटीज के 6 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। 2030 तक भारत में डायबिटीज के मरीज 8.7 करोड़ तक होंगे। मोटे तौर पर हर मरीज 33 रुपए की दवा रोज खाता है, मतलब 211 करोड़ की दवा कम से कम डायबिटीज पर रोज खर्च हो रही है। महीने के हिसाब से 6,333 करोड़ रुपया दवा पर बच जाएगा और इसी हिसाब से 75,960 करोड़ रुपया सालाना बचेगा। सोचिए योगी जी कितनी दूर की सोचते हैं। किसान गन्ना उगाना छोड़ दे तो देश का 76,000 करोड़ तो खड़े खड़े बच जाएगा साल में, और ज्यादा भी हो सकता है, इसमें इंसुलिन और महंगे इलाज का खर्चा शामिल नहीं है। गन्ने के भुगतान के लिए वादा किया था 14वें दिन पेमेंट होगा, बिल्कुल बाबूजी वे 14वें दिन है काम, अरे मारे तो बुरे दिन आ गए अच्छों की बजाय। गन्ना तो मीठा होता है, फिर इसका स्वाद कसैला कैसे हो गया? क्या वाकई इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है या फिर विज्ञान के कमाल ने भी किसानों को आंसू दिए हैं? गन्ने की कहानी कैराना से नहीं, कोयम्बटूर से शुरू होती है। एक वैज्ञानिक गन्ने की नई फसल ईजाद करता है। उत्तर प्रदेश में 2012 में उसकी बुआई शुरू होती है और कमाल देखिए कि 5 साल में गन्ने की फसल का रकबा 10% कम हो जाता है और पैदावार 60% बढ़ जाती है। यही वो सच्चाई है जिसे सत्ता छुपा जाती है, क्योंकि सत्ता का स्वाद गन्ने के स्वाद को सोख लेता है। शामली स्टेशन पर हर रेलगाड़ी से किसानों का जत्था उतरता है, कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, और सबकी जिंदगी गन्ने से जुड़ी है। लेकिन क्या जिंदगी भी मीठी बनाई है इस गन्ने ने?
भुगतान तो जी अटक ही रहा, यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे, यहाँ तो परेशानी हो रही बहुत ज्यादा। हम तो गन्ने की बात करने पहुँचे थे, किसान की बात करने पहुँचे थे, लेकिन कमबख्त हवा ऐसी चली है कि बात राजनीति की तरफ मुड़ ही जाती है। मोदी सरकार तो आने की नहीं, क्यों, क्या शिकायत है? सारे गरीब आदमी सब दुखी हैं, किससे पूछ लो, यहाँ कितने बैठे होंगे, सब पूछ लो, सब दुखी हैं। बता भाई, दुखी ना हो तो बता दो। हमने सोचा नहीं था कि दुख इस उत्साह के साथ जुबान से निकलता है, ऐसी मुस्कान के साथ। यही इस इलाके की खूबसूरती है कि पेट भले खाली रहे लेकिन आदमी लड़ाई का हुनर नहीं छोड़ता। अपनी बहन जी के साथ है, बहन जी के साथ रहेंगे। ये बंतीखेड़ा गांव की गलियां हैं, हर घर पक्का, पक्की सड़कें, पक्की नालियां और पक्की चौपाल। यहाँ पक्के किसान रहते हैं। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगे की राख पर जो राजनीति बीजेपी ने खड़ी की, उसने मायावती, मुलायम सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शून्य सीट पर समेट दिया। लेकिन कैराना और नूरपुर उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि गन्ने की मिठास हिंदुत्व की राजनीति के लिए कसैली हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या यही गन्ना किसान राजनीति की प्रयोगशाला बनेगा? इन्होंने हमारा दिमाग पढ़ लिया था, अब हमने इनकी आदतें और इनका दिमाग पढ़ लिया, ये हमें लड़ाते हैं और खुद ऐसे उड़ाते हैं सारे के सारे। गन्ने का राजनीति से क्या लेना देना, किसानों का क्या काम नेताओं के ईमान से, हिंदू मुसलमान से और सत्ता के फरमान से। लेकिन है साहब, और बहुत है। गन्ने के खेतों में जाटों और मुसलमानों का झगड़ा यहाँ बहुत पुराना है। कैराना और नूरपुर के उपचुनाव में दोनों ने साथ मिलकर वोट किया था, लेकिन क्या ये समीकरण इतना ही आसान है? वो रोबन लगा कर, कौन रोने लगा? चौधरी अजीत सिंह। अच्छा, अब अमेरिका मेरा साथ दे दो, कहना सर जाटू को सोचना पड़ जाओ, और जो उसे भी लगा लो कहना सर, और फिर भाजपा भाजपा रहेगी। फिर तो गन्ने का दाम यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, मिलों का भुगतान कोई मुद्दा ही नहीं। 14 दिन में कह रहे 14 दिन में दिया जाएगा, 14 दिन में दिया जाएगा, तो ये 3-4 महीने का रुक रहा, फरवरी का पेमेंट है आप लोग कुल 10 फरवरी का। अच्छा, 10 फरवरी के बाद पेमेंट नहीं हुआ? नहीं, इसका नहीं। आखिर कुछ तो है इस गन्ने में कि साल दर साल उधारी के बाद भी किसान गन्ना उगाना नहीं छोड़ते, करोड़ों की देनदारी के बाद भी मालिक मिल नहीं बंद करते, और खजाने की खस्ता हालत के बाद भी नेता गन्ने की राजनीति नहीं छोड़ते। तो क्या ये सिर्फ उपज और मुनाफे का रिश्ता है, या फिर इस रिश्ते की डोरी राजनीति है? किसान अपनी पर्चियां दिखाते हैं, हर पर्ची पर दर्ज है कि मिल पर किसान का कितना रुपया बकाया है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों पर किसानों का लगभग 12,500 करोड़ रुपया बाकी है। नहीं, गन्ना उगाने में फायदा तो है अगर पेमेंट टाइम पावे, अगर पेमेंट सलसल भरमा हुआ किसानों क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं, जो कमाया वो अगली फसल में जा लगावे, बच्चों की पढ़ाई नहीं जाती। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गन्ना छोड़ो, कुछ और उगाओ, ऐसे दूरदर्शी नेता बचे कहाँ हैं? अगर किसान गन्ना उगाना छोड़ दे तो गन्ना किसानों के 22,000 करोड़ का बकाया नहीं देना पड़ेगा, चीनी मिलों को 4,500 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं देना पड़ेगा, इथेनॉल उत्पादन पर 1,350 करोड़ की सब्सिडी नहीं देनी होगी। कुछ और आगे बढ़िए, योगी आदित्यनाथ कहाँ की सोच रहे हैं? इस साल 35 करोड़ टन गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कैबिनेट ने तय किया कि हर टन पर 55 रुपया सब्सिडी देंगे, तो डायबिटीज मुक्ति के अभियान में 1,925 करोड़ रुपया ये भी बच जाएगा। अगर किसान योगी फॉर्मूले पर चले तो भारत का 1.5-2 लाख करोड़ रुपया तो ऐसे ही बचा लेंगे। आजकल तो खैर बताते नहीं, लेकिन इतना तो रामदेव विदेशी काला धन भी नहीं बता देते। मौसम में जब गन्ना आना शुरू होता है तो मिलों पर ट्रालियों की लाइन लग जाती है, और किसान हफ्तों हफ्तों अपने खरीद के इंतजार में बैठे रहते हैं। खरीद का मतलब पर्ची, उस पर्ची का भुगतान कब होगा ये ना कोई पूछता है और ना कोई बताता है। पर्चियों जो गन्ना पर्ची आती है, गन्ना डलता है, पर्ची बगैर गन्ना मिल में नहीं जाता, मिल वालों ने पर्ची भी रोक दी गई। पर्ची रोकने पर जब परेशान हुए तो मिल वालों ने कहा 500 रुपये तो पर्ची निकलो, 500 रुपये में। कि गन्ने के खेत में बैठा हुआ किसान उगाता तो गन्ना है, लेकिन उसे रस राजनीति का चाहिए, और वो भी भरपूर। गन्ने में गिरहें बहुत होती है, वो गिरहें गन्ने के किसानों के दिल तक बनती चली गई है, आसानी से खुलती नहीं। नहीं जी, खुश नहीं है। क्यों? नूनी खुश है जी, जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे मैं पूरे नहीं कर रही, खुश इसलिए नहीं है।
उलझिए मत, क्योंकि अब गन्ने का हिसाब भी समझ में आएगा और किसानों का जवाब भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित अब खुलकर मानने लगे हैं कि 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन क्या 2019 में भी ऐसा होगा? गरीब आदमी को तो खरे दुखी है, सिलेंडर देख लो आप कितने रुपए हो रहा, 720 रुपए का हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा बताओ आप। हमने लोन लिया था जी ये कभी, अच्छा अभी ले रखा भाजपा की सरकार में, बैंक वाले में इतने परेशान कर रहे बहुत जल्द। कैराना में तबस्सुम हसन की जीत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को ही उलट पलट कर रख दिया है और ये नजर आता है। हम वो जो कैंडिडेट जीते हैं हम उसके पक्ष में नहीं थे, हम तो उनके विरोध में वोट दिया हमने थे। अच्छा, हमने तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के विरोध में वोट डाला है। इस इलाके की यह खूबी है, आप बात गन्ने से शुरू कीजिए, चीनी से कीजिए, भुगतान से कीजिए, आ जाएगी राजनीति पर। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हमेशा से धुरी रहे हैं, तो इस बार जाट किधर जाएंगे? मुजफ्फरनगर दंगों की आग अभी तक यहाँ बुझी नहीं है, 300 से ज्यादा नौजवान उन दंगों में फंसे हुए हैं। जाट इंतजार में है कि योगी गन्ने का कुछ करे न करे, लेकिन मुकदमे का तो कुछ कर ही दे। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिर से हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनेगा, या फिर अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह की तिकड़ी इसे किसान राजनीति की प्रयोगशाला में बदलने का दमखम रखते हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।